मेरे डैड तुमसे एक्सक्यूज करेंगे, ऐसा कभी सोचना भी मत। कहाँ रह गई हो यार, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट का कहा था तुमने। बस आ गई, मैं पहुंच गई, आ गई। कब से वेट, ये इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? रियान मेहंदी का फंक्शन था। मैंने मना किया था ना तुम्हें मेहंदी में नहीं जाना, लेकिन तुम फिर भी चली गई। ये वैल्यू है ना मेरी बात की। रियान मैं नहीं जाना चाहती थी, अम्मी मुझे जबरदस्ती ले गई, कहने लगी कि मोहल्लेदारी भी तो कोई चीज होती है, और फिर मासूमा मेरी स्कूल की दोस्त है। देखो तैयबा, मुझे बिला वजह तुम पे पाबंदियां लगाने का कोई शौक नहीं है। ये जो तुम्हारी सहेली है ना मासूमा, इसके दोनों भाई एक नंबर के चचोरे हैं। लड़कियों को देखते रहना, उनको ताड़ना मशगला है उनका। आज तो वैसे ही उनकी ईद होगी, ऊपर से तुम इस तरह बन ठन के चली गई वहां पे उनसे दाद वसूल करने। रियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहती रही हूँ कि अम्मी ने मजबूर किया तुम्हें चली गई, और तुम्हारी कही बात से कुछ बढ़कर है मेरे लिए। तुमने मुझे बुलाया, मैं भागी भागी आई, सब मुझे वहां ढूंढ रहे होंगे। अच्छा कल अम्मी ने अगर मुझे जान से भी मार दिया ना, मैं तब भी कल बारात में नहीं जाऊंगी, सही है? अब तो मान जाओ। ये लो, कान भी पकड़ रही हूँ अपने, सॉरी। एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मुझे। अगली बार बाहर मिलोगी? तुम जानते हो कि मेरा घर से निकलना। तुमने कहा है तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी हर बात मंजूर है। अब तो नाराज नहीं हो ना? नहीं। तो फिर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल बकवास।